हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमेंद्र कुमार और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो DTH डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम है और LED में जो आती है तो उसको आज कैसे सॉल्व करेंगे। और अभी आप देखेंगे, देखिए DTH डिस्कनेक्ट हो रही है, तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सीख पाएंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखिए। आप वीडियो में अगर स्टार्ट आगे करूँ तो उससे पहले आप देख रहे हैं, देखिए अभी इस समय जो आपकी DTH है वो डिस्क कनेक्ट हो गई है। तो ऐसा LED में होता है जब आप स्टार्टिंग में नया लाते हैं या आप जब तक उसका सेटअप नहीं करते हैं तो ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रहती है। तो आप इसको किस तरह से सेट करेंगे और उसके बाद आप उसको DTH वगैरह जो आपका कनेक्शन है उसको लगातार एक साथ चला सकते हैं। तो मैं आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से अपने जो DTH कनेक्शन है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं और मतलब जो आपकी DTH है वो डिस्कनेक्ट ना हो। तो आप अभी देख रहे हैं मेरे जो LED है, तो अभी इसके जो प्रोग्राम वगैरह हैं तो ये अपने होम मोड में है, अभी ये इसी तरह से डिस्कनेक्ट वगैरह होती रहेगी और अब प्रोग्राम तो बूट होता रहेगा। और आपको जो LED वगैरह से अपनी DTH कनेक्ट करनी है तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आप अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार अपने TV को ऑन, ये जो LED TV है उसको एक बार ऑन ऑफ कर लेना है। तो आप जब दोबारा से इसको ऑन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक LED TV रहती है उसमें सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। आपके LED में जहाँ पर भी सेटिंग दी गई है तो आपको वहाँ से सेटिंग में जाना है। और ये LG स्मार्ट LED TV है, इसमें आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, इसमें आपको यहाँ रिमोट में भी एक बटन होता है यहाँ सेटिंग का, इस तरह से देखिए आप दिखाएंगे जो है शायद ये वाला बटन जो है वो आपको सेंड कर यहाँ दबा देना है। हाँ देखिए साइड में ऑप्शन खुल जा रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे यहाँ नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जनरल ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन आपको उनमें से कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करना है। और आप धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ पर स्टोर मोड सेटिंग आ रही है, इस जगह पर आपको यहाँ पर दो तरह की सेटिंग दी गई होती है। तो देखिए ये डिस्कनेक्ट अभी होने फिर से जा रहा है, तो अभी ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैंने जो स्टोर की अभी सेटिंग खोल रखी तो उसको यहाँ से सेट नहीं कर सकते, उसके लिए एक बार मुझे फिर से सिस्टम को अपने जो LED TV है उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप उसको, मैं अगर जल्दी जल्दी करता है आपको सेटिंग करके बता देता, मतलब आपको पता चल चाहिए अगर इस समय आप ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो किस तरह से सेट करेंगे आप उसको। एक बार फिर से ऑन कर लेंगे, एक्टिविटी को हम बंद टाइम में भी कर सकते थे लेकिन मैं इसको आपको ऑप्शन वाइज बता रहा हूँ। आपको फिर से वही सेटिंग वाला ऑप्शन को ऑन कर लेना है, तो वहाँ से नेटवर्क में जाना है और जनरल सेटिंग में, और उसके बाद नीचे आते रहना है। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन होम एंड स्टोरेज, तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो मोड दिखाई दे रहे हैं, एक है होम और एक स्टोर। तो आपको यहाँ पर स्टोर होम मोड की जगह आपको होम मोड करना है, तब आपकी जो यहाँ DTH कनेक्ट है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो देखिए मैं अभी इसे होम मोड पे सेट कर रहा हूँ और अभी ये होम मोड पे सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा साइड में तो इसके बारे में लिख भी रहे हैं, तो सिलेक्ट वगैरह कैसे करना है डेमो। तो अभी ये जो स्टोर डेमो में सेट था तो बार बार डेमो की वजह से ये यहाँ से आउट हो जा रहा था, और बार बार जो डेमो लगा हुआ था
अभी देखो तो वही चल जा रहा था बार बार, और यहाँ पर जो आपके जो DTH वगैरह कनेक्ट कर रखी तो डिस्कनेक्ट हो जा रही। अब जब मैंने इसको यहाँ पर होम आउट कर दिया है तो अभी ये बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगी, तो इसके बाद आपको बैक आ जाना है अपने होम स्क्रीन पे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर जो है इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सेट करने के लिए। इस तरह से आप उसको कम्प्लीटली सेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको वॉइस दी है तो आपको इसी तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड इसी तरह से आपको सेटिंग में जाकर यहाँ से स्टोन मोड की जगह आपको होम मोड कर देना है और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।